तो हमने सोचना शुरू किया कि कौन ऐसा लड़का हो सकता है कि जो इस बदली हुई परिस्थिति में इन सारी विषयों को जो है समाज में ले जा करके समाज के लोगों को प्रभावित कर सके। तो इसी क्रम में हमने गोपी से चर्चा की। गोपी ने कहा कि सर, हम ये चैलेंज स्वीकार करते हैं। लेकिन महिलाओं के अलावे उसने पुरुषों को जब प्रेरित किया कि पुरुष भी उससे प्रभावित हुआ और पुरुष भी अपना जो है वो बंध्याकरण की ओर गया और करवाया भी। वो जो है गिद्धौर ब्लॉक के सेवा पंचायत में जो है उसने कम से कम 200 से 300 लोगों को मैंने बहुत प्रभावित किया है उसने। परिवार नियोजन के लिए सबसे पहले हम ग्रामीण लोगों से मिलते हैं। ग्रामीण लोगों से मिलकर उनसे बातें करते हैं, उनकी परिवार नियोजन के लिए जो साधन है उसको बतलाते हैं, मेरे कहने से इस परिवार नियोजन को अपनाते हैं। साधन का प्रयोग जैसे कंडोम, गर्भनिरोधक गोली, माला डी, माला एन, अंतरासुई इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो उनको बताए हम कि मान लिया जाए आप दवाई खरीदते हैं, तो दवाई जिस तरह से अगर खरीदते हैं तो उसी तरह से हम कंडोम को भी खरीद सकते हैं। हमारे गोपी जी मुलाकात हुए, बातचीत हुए, परिवार में जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह सुखी संपन्न हमारा परिवार रहे, इसके बारे में चर्चा किए। तो हमको बताया कि आप ऐसा कीजिए, कंडोम का ही प्रयोग कीजिए। तो जब से हम कंडोम का प्रयोग करने लगे हैं, मुझे जो गोपी जी ने जो बताया है, जो कि सुई 3-3 महीना में लिया जाता है, वो मैं ले रही हूँ, वो मुझे अच्छा लग रही है, जो जिससे कि मेरा जीवन सुखमय है। तो वो हमको बार बार आकर समझाए तो हम भी समझ गए, बल्कि बोझा उझा वाला काम नहीं कर पाएंगे। और पत्नी करा देते हैं तो विकलांग नहीं है, वो तो हर काम कर लेगी। तो यही समझ के हम अपना नसबंदी को करा लिए। नियोजन के विषय में बहुत अच्छे ढंग से घर घर जा करके महिलाओं को प्रेरित करता है, पुरुषों को भी प्रेरित करता है।